हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज साक्षी चौरसिया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक जैकपॉट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ। ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है गाइस, और इस स्ट्रैटेजी को यूज करके आप इजीली स्कैल्पिंग के थ्रू एक दिन के अंदर 10 से 20,000 रुपीज तक अर्न कर सकते हैं। यस गाइस, ये अमाउंट आप एग्जैक्टली अर्न कर सकते हैं बिकॉज मैं खुद इस स्ट्रैटेजी को यूज करती हूँ। इस स्ट्रैटेजी में हम कोई भी इंडिकेटर को यूज नहीं करने वाले बिकॉज इंडिकेटर काफी बार हमें फॉल्स सिग्नल दे देते हैं, काफी बार लेट सिग्नल दे देते हैं, जिसके कारण हमें क्या होता है, स्कैल्पिंग में लॉस हो जाता है। ये जो स्ट्रैटेजी मैं शेयर करने वाली हूँ फुल्ली प्राइस एक्शन पर बेस्ड है। आप जब प्राइस को रीड करके ट्रेड लेते हैं ना गाइस, तो इससे आपकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 95% तक की हो जाती है। इसमें आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है वो भी काफी बड़ा है। तो गाइस, आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करके ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मैं डिटेल से आपको बताऊंगी कि ये स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरीके से आपको इस स्ट्रैटेजी को यूज करना है, कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस पुट करना है, कहां पर आपको एग्जिट लेना है, एवरीथिंग मैं डिटेल में बताऊंगी ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए गाइस, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन, ताकि ऐसे ही ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस आप तुरंत देख सकें और ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकें। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो बिकॉज इट कीप मी मोटिवेटेड टू मेक सच वीडियोज फॉर यू। ओके, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सो एज आई टोल्ड यू कि आज हम इस वीडियो में स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं। तो ये स्ट्रैटेजी गाइस हम 2 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज करने वाले हैं बिकॉज गाइस वी ऑल नो दैट कि स्कैल्पिंग में हम ट्रेड को बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए ट्रेड में एंट्री लेते हैं और एग्जिट करते हैं बिकॉज इसमें हम जो छोटा मूव होता है उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो इसमें हम 2 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। इस स्ट्रैटेजी के अंदर गाइस जनरली मैं आपको प्राइस रीड का बताऊंगा कि किस तरीके से आपको कैंडल को देखना है, कहाँ पर आपको मूविंग एवरेजेस को देखना है, कहाँ पर आपको वॉल्यूम को देखना है, जिसके बेसिस में हम ट्रेड ले सकते हैं। यही तीनों चीजें इसमें यूज होंगे। द वेरी फर्स्ट थिंग इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। इसमें जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस आपको यूज करना है ना गाइस, वो 9 और 20 पीरियड का यूज करना है बिकॉज 9 और 20 पीरियड छोटे टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं, इसलिए हम इन दोनों को यूज करेंगे। सेकेंड थिंग, आपको कैंडल्स देखना है, मीन्स जब भी जो कैंडल का बॉडी का साइज है वो बड़ा होना चाहिए, आपको तभी एंट्री लेना है। थर्ड है हमारी वॉल्यूम। वॉल्यूम हम इसलिए यूज करने वाले हैं गाइस बिकॉज वॉल्यूम आपको कंफर्मेशन प्रोवाइड करती है कि यस, किस पॉइंट पर ट्रेड में कोई भी फॉल्स सिग्नल नहीं है और आप इसमें ट्रेड लेंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। अब गाइस, किस तरीके से स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं, उसके पहले देयर इज सम पॉइंट जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस स्ट्रैटेजी को आपको यूज करते टाइम ध्यान में रखना है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज गाइस कि जब भी आप कभी स्कैल्पिंग करना है तो कभी भी पैनी स्टॉक में ट्रेड मत कीजिए। पैनी स्टॉक से मेरा मतलब है वो स्टॉक गाइस जो 1 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज के समथिंग आपको मिलते हैं बिकॉज इसमें क्या होता है, इसमें मूवमेंट हाई नहीं होता है, जिसके चलते गाइस आप एक बार ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं तो आपको एग्जिट नहीं होता है। इसके अलावा वो ट्रेड 10 से 11 पॉइंट जाने में ही वो बहुत टाइम लगाता है, इसलिए कभी भी आपको पैनी स्टॉक नहीं लेना है। आप जब भी ट्रेड करें कोशिश करें कि आप जो है 100 रुपीज के अबव वाले स्टॉक में ट्रेड करें। उसमें क्या होगी, आपकी मूवमेंट अच्छी होगी तो आपको कम टाइम में एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न हो जाएगा। नाउ द सेकेंड पॉइंट जो कि आपको फोकस करना है, दैट इज गाइस हमेशा हाई वॉल्यूम और हाई लिक्विडिटी वाले ट्रेड में आपको ट्रेडिंग करना है। दैट मीन्स कि उस ट्रेड में मूवमेंट अच्छा होना चाहिए। मीन्स आपने देखा होगा कोई कोई स्टॉक डायरेक्टली 10 पॉइंट्स तक से अपसाइड जाते हैं और कई स्टॉक होते हैं जो 1 रुपीज, 2 रुपीज के बेसिस में हाई जाते हैं, ठीक है। तो आपको वो स्टॉक चूज करना है जिसमें मूवमेंट अच्छी हो ताकि आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न हो सके। अब काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से हाई लिक्विडिटी हाई वॉल्यूम वाले ट्रेड होते हैं। तो गाइज उसके लिए आप NSE की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पर आपको टॉप 10 गेनर्स मिल जाएंगे, लूजर्स मिल जाएंगे, आपको वहाँ पर हाई वॉल्यूम का ऑप्शन भी मिलता है जिसके थ्रू आप वहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द थर्ड थिंग जिस पर आपको फोकस करना है, दैट इज गाइज कभी भी आपको स्कैल्पिंग उन ट्रेड में नहीं करना है जिसमें आप अभी रिसेंटली कोई न्यूज़ आई हो, बिकॉज क्या होता है, न्यूज़ के कारण उस ट्रेड में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है जिसके कारण आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आपका एक सही एंट्री पॉइंट होते हुए भी आपको उसमें प्रॉफिट नहीं हो पाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि न्यूज वाले ट्रेड में आप स्कैल्पिंग ना करें बिकॉज स्कैल्पिंग में हम ऑलरेडी एक बहुत छोटा मूव कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इस स्ट्रैटेजी को डिटेल से बताती हूँ कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी को आपको यूज करना है। यहाँ पर चलिए मैं सबसे पहले कोई स्टॉक ओपन कर लेती हूँ। जैसे देखिए इस पॉइंट पे जो है मैं
ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पर मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट ओपन कर लिया। यहाँ पे देखिए हमने 2 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे पुट किया हुआ है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा था, इस स्ट्रैटेजी में हमें 3 चीजों पर फोकस करना है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज गाइस हमारे मूविंग एवरेजेस, यहाँ पे जो है हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस यूज करना है, बिकॉज जो सिंपल मूविंग एवरेज होते हैं उससे ज्यादा अच्छे हमारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हमें प्रोवाइड करते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस गाइस हमें ट्रेंड का आइडिया देते हैं कि इस पॉइंट पर ट्रेंड किस साइड है, बिकॉज जब भी हम मार्केट में ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं ना, तो ऑलरेडी इसमें हमारा प्रॉफिट सिनेरियो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर गाइस हमें 9 और 20 मिनट का टाइम फ्रेम वाले जो मूविंग एवरेजेस हमें यूज करना है। देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पुट करे हुए हैं 9 और 20 का, आपको सिंपली यहाँ पर इंडिकेटर के सेक्शन में ये मिल जाएंगे, तो आप वहां पर पुट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग गाइज, इसमें जो आपको फोकस करना है दैट इज कैंडल्स। यस, कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज कैंडल इटसेल्फ ही आपको बताती है कि किस पॉइंट पर बायर एक्टिव है, किस पॉइंट पर सेलर एक्टिव है, तो यहाँ से प्राइस अपसाइड जाएगा या डाउनसाइड जाएगा। अगर आपको कैंडल्स के बारे में डिटेल से जानना है, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिटेल से जानना है, तो मैंने यूट्यूब पर एक फ्री कोर्स बनाया हुआ था, उसकी लिंक मैं ऊपर आई कार्ड पे दे दूंगी, आप वो पूरा कोर्स देख सकते हैं। ठीक है, नाउ द थर्ड थिंग जिस पे आपको फोकस करना है दैट इज वॉल्यूम। जो वॉल्यूम होते हैं ना गाइस, वो कंफर्मेशन का काम करते हैं। वॉल्यूम हमें बताते हैं कि यस किस पॉइंट पर बायर और सेलर मार्केट में रियल में एक्टिव है और किस पॉइंट पे यहाँ पर फॉल्स सिग्नल दे रहा है, जिसके चलते गाइस आप कभी भी गलत एंट्री नहीं लेंगे और आप मार्केट में सही एंट्री लेके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं तीनों चीजों पर हमें फोकस करना है। देखिए मैं आपको चार्ट में एक्सप्लेन करती हूँ किस तरीके से आप इन्हें ट्रेड ले सकते हैं। अब जैसे देखिए, जब भी जो हमारा ट्रेड है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसके अपसाइड है, क्रॉस करके अपसाइड जा रहा है या फिर टच करके अपसाइड जा रहा है, तो उस पॉइंट पर हम बाय का ट्रेड लेना है। जैसे देखिए इस पॉइंट पे ये मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके अपसाइड जा रहा है, तो इस पॉइंट पर आपको बाय का ट्रेड लेना है। सिंपली जब भी अपने मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके नीचे आ रहा है, तो आपको शॉर्ट सेल का ट्रेड लेना है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए जब भी जो ट्रेड है वो इन मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके आइदर या तो अपसाइड जा रहा है, तो आपको बाय का ट्रेड लेना है। उस पॉइंट पर आपको देखना है कि आपके पास ग्रीन कैंडल फॉर्म होने चाहिए और उन ग्रीन कैंडल की वॉल्यूम हाई होने चाहिए। जैसे देखिए इस पॉइंट पर एक ग्रीन कैंडल बनी है, उसकी वॉल्यूम भी हाई है और अपने मूविंग एवरेजेस के भी अपसाइड जा रहा है, तो सिंपली आपको यहां पर बाय कर लेना है। स्टॉप लॉस आपको हमेशा जिस कैंडल पर आप ट्रेड ले रहे हैं ना, उस कैंडल के लो पर पुट करना है या फिर उसके लास्ट कैंडल के लो पर पुट करना है। देखिए यहां पर मैंने स्टॉप लॉस पुट किया हुआ है। देखिए इस तरीके से आपने यहां पर ट्रेड लिया होता तो देखिए 8 पॉइंट का प्रॉफिट आपको होता है इन जस्ट 1 मिनट के अंदर अंदर। देखिए इस तरीके से आपको प्रॉफिट हो जाता है। यहाँ पे गाइस आपको जो अपना टारगेट है ना, वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन के बेसिस में रखना है। दैट मींस प्रीवियस रेसिस्टेंस क्या था, प्रीवियस सपोर्ट क्या था, उसके बेसिस में। अब जैसे देखिए अगेन आप यहाँ चलते, देखिए इस पॉइंट पर यहाँ पे देखिए आपने मूविंग एवरेजेस देखिए, अभी आपने मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके नीचे आ रहा है, बट आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जब इसने क्रॉस करके नीचे आया तो इसकी कैंडल तो हाई थी, बट इस कैंडल की जो वॉल्यूम है वो हाई नहीं है और ना ही कैंडल में एक बड़ी बॉडी फॉर्म हुई है, इसलिए हम इस पॉइंट पर ट्रेड में ट्रेड नहीं लेंगे। अब जैसे देखिए अगेन इस पॉइंट पे देखिए एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, यहाँ पे देखिए इसकी जो वॉल्यूम है वो भी हाई है, लेकिन हमें क्या वेट करना है, हमें वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल की वॉल्यूम हाई नहीं थी, फिर ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, फिर रेड हुई, लेकिन उसके बाद वाली कैंडल में फॉलो अप नहीं दिया, इसलिए हम यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे। अब यहाँ ग्रीन कैंडल थी, फॉलो अप नहीं मिला, यहाँ फॉलो अप नहीं मिला, अब देखिए इस पॉइंट पर एक ग्रीन कैंडल थी, यहाँ पर फॉलो अप भी मिला हमें, तो हमें इस पॉइंट पर यहाँ पर ट्रेड ले लेना है। कैंडल के लो पर आपको स्टॉप लॉस पुट करना है। देखिए इस तरीके से आपने यहाँ किया होता तो इसमें देखिए आपको 5 पॉइंट का प्रॉफिट होता, राइट। देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको शॉर्ट सेल के भी ट्रेड मिल जाएंगे। सिंपली क्या करना है, जब भी देखिए अपनी मूविंग एवरेज क्रॉस करके नीचे आ रहा है, इसमें आपको कैंडल का फॉलोअप नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे। कैंडल का फॉलोअप आपको कहाँ मिल रहा है, कैंडल का फॉलोअप हमें इधर मिला है, तो आपको सिंपली यहाँ पर ट्रेड लेना है। और देखिए इस तरीके से आपने ट्रेड लिया होता तो इसमें देखिए आपको ऑलमोस्ट 8 पॉइंट का प्रॉफिट होता। देखिए अगेन अपने मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके अपसाइड जा रहा है, आपको सिर्फ क्या देखना है कि अपने मूविंग एवरेज को क्रॉस करके अपसाइड जा रहा है, वॉल्यूम फॉर्मेशन इसमें बढ़ रही है, कैंडल की साइज बढ़ी, तो आपको सिंपली ट्रेड ले लेना। देखिए यहाँ पर 12 पॉइंट का प्रॉफिट होता। देखिए अगेन यहाँ पर आपको देखिए शॉर्ट सेल के भी ट्रेड मिलेंगे, अपसाइड के भी ट्रेड मिलेंगे। आप एक दिन के अंदर गाइज इजीली 5 से 10 ट्रेड ले सकते हैं स्कैल्पिंग के अंदर, देखिए इस स्ट्रैटेजी के थ्रू। और देखिए आपको सिंपली इसमें जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो भी काफी बड़ा है, और देखिए आपको 10-20 पॉइंट्स के प्रॉफिट जो है इसमें बहुत ही सिंपली हो जाएंगे, जिसके चलते गाइज आप इसमें अच्छा खासा अपनी
सैलरी एक जो इनकम है वो अर्न कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आपको इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। देखिए अगेन यहाँ पर आपको एक बाइंग का ट्रेड मिल रहा है, सिंपली ये देखिए ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, मूविंग एवरेजेस की अपसाइड जा रही है, आपको यहाँ पर ट्रेड ले लेना था। और देखिए इस तरीके से, हमेशा याद रखिए स्कैल्पिंग में 5 से 10 पॉइंट का जो हमारा प्रॉफिट होता है वो भी बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, बिकॉज हम 1 या 2 मिनट के अंदर ही ट्रेड में जाते हैं तो उसमें हम इजिली प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मैं आपको एक और ट्रेड में एक्सप्लेन करती हूँ ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। कैसे देखिए यहाँ पर मैंने बालकृष्ण का चार्ट ओपन कर लिया, देखिए यहाँ पर भी आपको ट्रेड मिल रहा है, सिंपली देखिए अपने मूविंग एवरेजेस की अपसाइड है, ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है। अब देखिए यहाँ पर आप वॉल्यूम पर फोकस करेंगे ना तो आपको दिखेगा कि देखिए वॉल्यूम भी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, देखिए इस पॉइंट पर। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको जैसे ही इस कैंडल पर आपको ट्रेड ले लेना था, स्टॉप लॉस आपको कैंडल के लो पर पुट करना है। और देखिए इस तरीके से आपने यहाँ ट्रेड लिया होता तो 14 पॉइंट का प्रॉफिट इसमें आपको सिंपली हो जाता। अगेन देखिए जैसे कि ये अपने मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके नीचे आ रहे हैं, यहाँ पर देखिए कैंडल की वॉल्यूम भी हाई है, आपको यहाँ पर ट्रेड ले लेना था। और देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको 6 पॉइंट का प्रॉफिट होता, देखिए यहाँ पर। अगेन आपको वेट करना है कि किस पॉइंट पर जो आपके कैंडल है वो क्रॉस करके नीचे जा रहे हैं। अब देखिए जैसे कि इस पॉइंट पर ये यहाँ पे क्रॉस करके नीचे तो आ रहा था, पर यहाँ वॉल्यूम नहीं थी इसलिए हमने अवॉइड किया, वॉल्यूम यहाँ से इंक्रीज हुई है, देखिए इस तरीके से। आपको यहाँ पर ट्रेड ले लेना था, सॉरी फॉर दैट, जस्ट अ सेकेंड, या आपको यहाँ पर ट्रेड लेना था, देखिए इस तरीके से। और देखिए इसमें भी आपको आराम से 14 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाता है, इवन अगर आप इसमें वेट करते तो इसमें आपको और भी बड़े 25 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाता। तो आई होप ये क्लियर हो कि किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है। गाइस आपको सिंपली से वेट करना है कि कब ये अपने मूविंग एवरेज को क्रॉस करके या फिर टच करके अपसाइड जा रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पर बाय का ट्रेड ले लेना है, देखिए इस तरीके से। आपको वेट करना है जब ये अपने मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे आ रहा है और साथ ही साथ इसमें वॉल्यूम भी बढ़ रही है, जो कैंडल का साइज है वो भी इंक्रीज हो रहा। ऐसा नहीं कि देखो यहाँ पर विक बन रही है, बिकॉज यहाँ पर विक थी इसलिए हम यहाँ पर शॉर्ट सेल नहीं कर सकते थे, पर देखिए यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल फॉर्म हुई है इसलिए हम यहाँ पर शॉर्ट सेल कर सकते थे। देखिए इसके बाद हमें इसमें 14 पॉइंट का स्ट्रेट प्रॉफिट होता। गाइस इसका मतलब ये नहीं कि इसमें आपका कभी स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, इसमें भी आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, बट जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है ना वो काफी बड़ा है, जिसके चलते अगर कभी आपको इसमें लॉस होते भी हैं तो वो आपके प्रॉफिट से काफी छोटे होंगे, जिन्हें आप इजिली बेयर कर सकते हैं। सो आई होप ये क्लियर हो कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी वर्क करती है। इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड Also do subscribe to my channel for more trading related videos. मैंने scalping के ऊपर बहुत सारी videos बनाई हुई है, मैं उस playlist के link नीचे दे दूंगी तो आप वो definitely देखिएगा। So thank you so much, मिलता है next video में, तब तक के लिए keep learning, keep earning and keep improving in trading. Okay?